नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया से आप सभी का सस्नेह अभिवादन करते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यानी जो लोग भी यूपी बोर्ड से हैं कक्षा 12 में, उनके लिए गद्य खंड से ये तीसरा पाठ है हमारा। कन्हैया लाल मिश्र, उपनाम प्रभाकर, पूरा नाम हो गया कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा हुआ एक ये संस्मरण है। संस्मरण समझते हैं, संस्मरण का मतलब होता है अपने द्वारा बीती हुई कोई घटना, यानी ऐसी कोई घटना जिसमें मैं स्वयं शामिल रहा हूं, उस घटना को याद करके उस घटना का जो कहानी के रूप में रूपांतरण किया जाता है उसको बोलते हैं संस्मरण। यह एक संस्मरण है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर का एक प्रतिष्ठित नर्सिंग होम है जिसमें फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा, कौन मदर टेरेसा, भारत रत्न मदर टेरेसा। ये भारत के गौरवशाली इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न प्रदान किया गया है। हमारे भारत की भारत रत्न मदर टेरेसा और विश्व शांति नोबेल पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ है के व्यक्तित्व को आधार बनाकर के लिखा गया है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस पाठ की, प्रतिशा इसकी व्याख्या देखेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि गद्य खंड से एक प्रश्न हम लोगों को ऐसा मिलना है जिसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, उसी गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न का उत्तर देना है और उसका संदर्भ भी हम लोगों को लिखना है। तो ध्यान देंगे, रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा हुआ यह संस्मरणात्मक निबंध है और इसकी जो केंद्रीय आधार है वह मदर टेरेसा हैं, जो हमारे भारत की भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं और विश्व स्तर पर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना कोई समय इन्वेस्ट किए। रिक्वेस्ट प्लीज, जो लोग भी पहली बार हमारे इस चैनल पे हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज इसे आपने लाइक करिएगा, और यदि आपको लगता है कि नहीं, हमारे इस वीडियो को शेयर करने से अन्य फ्रेंड्स का भी फायदा हो सकता है, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भाई बहन हैं जो दूर दराज और ग्रामीण अंचलों में हैं जहां तक सही जानकारी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज इसको शेयर करिएगा ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, फिर जितने भी सामान्य शिक्षकगण, जितने भी हमारे प्रधानाचार्यगण, सम्मानीय जो भी लोग भी जुड़े हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये शुरू होता है कन्हैया लाल मिश्र जी के शब्दों में, कहते हैं कि कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया। कल तक मैं जिनके घर अतिथि था, मैं जिसके घर अतिथि रूप में रुका था, आज मुझे उनका परिचारक यानी उनका सेवक बनने का अवसर हो गया, मैं उन्हीं का सेवक बन गया। क्यों? क्योंकि मेरी अतिथेया अचानक रोग की चपेट में आ गई और उनको इंदौर मध्य प्रदेश इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। भाई मेरी अतिथेया जिनके घर में अतिथि था वो एकाएक रोग की चपेट में आ गई और उनको रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर में भर्ती करना पड़ गया। ये समय क्या है? सितंबर 1951, यानी आजादी के तुरंत बाद का समय है, यानी हमारा देश बहुत ही संक्रमण काल से उसमें गुजर रहा था। सन 1951 की बात है, सितंबर का महीना है। एकाएक जिनके घर में रुके हुए हैं हमारे लेखक कन्हैया लाल मिश्र जी, वो एकाएक जो आतिथेय है मतलब जिसके घर रुके हुए हैं, वो एकाएक रोग की चपेट में आ जाती है। अब देखिए क्या कहते हैं, रोग का आघात पूरे वेग में, आघात यानी चोट, यानी जो रोग का जो चोट था माने रोग का जो दबाव था वो पूरे वेग में था, यानी रोग पूरे उभार पे था। परिणाम क्या? कपकपाता, यानी पूरा शरीर कांप रहा था, चाहे मलेरिया टाइफाइड टाइप का बुखार, पूरा शरीर कांप रहा है, वातावरण चिंता से घिरा घेरा, वातावरण पूरा एकदम चिंता से, यानी जो लेखक है जो परिचारक वो चिंतित है क्या होगा, सही इलाज मिल पाएगा, स्वस्थ होकर लौट पाएंगी, मतलब ये चिंता में मगन। हम सभी सुस्त, ये सुस्त यानी पूरी तरह से आलस्य से भरे हुए, अर्थात एकदम थक कर चूर हो चुके थे, यानी जो आतिथेय जिसका सेवा हम कर रहे थे वह व्यक्ति इतना बीमार था कि उसकी सेवा में और चिंता में हम लोग सुस्त हो गए थे। कि एकाएक उन्होंने देखा रॉबर्ट नर्सिंग होम में, एकाएक उन क्या देखते हैं, अपने विशिष्ट धवल वेश में, धवल वेश में नहीं, साफ, धवल का मतलब होता है श्वेत, विशिष्ट धवल वेश में, श्वेत वेश में, एकदम सफेद साड़ी पहने हुए, श्वेत वेश मतलब धवल वेश से आच्छादित, पूरी तरह से ढकी हुई, श्वेत वस्त्रों से ढकी हुई एक नारी कमरे में आ गई है।
एकाएक देखते हैं एक नारी जो एकदम सफेद कपड़ों में पूरी तरह से ढकी हुई, सफेद साड़ी पहनी हुई, एकाएक कमरे में आ गई है। अंदाजा लगाते हैं कि देह उनकी कोई 45 वसंत देखी होगी, 45 बार वसंत उनके जीवन से गुजर चुका था, अर्थात 45 वर्ष की उम्र। देखिए आलंकारिक प्रयोग है, वो कह सकते थे कि लगभग 45 वर्ष की उम्र की, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा, देह लगभग 45 वसंत देखी, अर्थात उनका शरीर लगभग 45 वर्ष का हुआ था। देह उनकी कोई 45 वसंत देखी, वर्ण कैसा है यानी उनका रंग कैसा है, हिमश्वेत बर्फ की तरह सफेद, लेकिन अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, सूर्य की जो उदय होते हैं तो जो सूर्य की जो लालिमा होती है ना, वैसी लालिमा चेहरे पर, और सूता सधा यानी एकदम सलीके से सधा हुआ एकदम सीधा सुंदर शरीर, यानी जैसे लगता था कि सांचे में ढाल करके बनाया गया हो। और आते ही क्या कह रही हैं, देखिए इन्वर्टेड कामा में लिया है, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही वह महिला बोलती है कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, यानी मुंह लंबा मत करो, अर्थात उदास मत हो, लंबा मुंह यहां पे लाक्षणिक प्रयोग है उदास होने का। कहा उदास नहीं होना, बीमार के पास लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, अर्थात बीमार के पास उदास नहीं होना। आते ही उन्होंने कहा, और भाषा कैसी, साफ सुथरी, एकदम शुद्ध हिंदी, साफ सुथरी, उच्चारण बिल्कुल साफ, और स्वर कैसा, आदेश का, स्वर कैसा, आदेश का, मतलब रिक्वेस्ट का स्वर नहीं था, ये नहीं था कि यहां प्रेम से कह दिया, नहीं नहीं एकदम आदेश, लंबा मुंह अच्छा नहीं, बीमार के पास लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, लेकिन आदेश कैसा, न अधिनायक का न अधिकारी का, बल्कि किसका, पूर्णतया मां का। अधिनायक यानी हमारा नेता, अधिनायक यानी हमारा नेता, अधिकारी यानी जिसके हम लोग आश्रित हों, ना बिल्कुल मां के जैसा, जैसे मां स्नेह पूर्वक डांटती है ना, बिल्कुल वैसे ही उनका कड़क स्वर था। अधिकारी डांटता है ना तो उसमें क्या होता है, उसमें दबाव होता है, नेता जब डांटता है ना तो उसमें आग्रह होता है, लेकिन मां जब डांटती है ना तो उसमें स्नेह होता है, उसमें प्यार होता है। कहा बिल्कुल मां के जैसा, जिसका प्रारंभ कैसे होता है, शिकंजे से, शिकंजा कहते हैं किसी चीज को दबा के रखने वाला यंत्र, तो मां क्या करती है, आपको अनुशासन में दबा के भी रखती है और स्नेह भी करती है। बिल्कुल कहा कि बिल्कुल मां के जैसा, जिसका आरंभ किससे हुआ, शिकंजे से, और अंत होती है गोद से, यानी मां का स्वर ऐसा था कि स्वर इतना कठोर था कि हम मानने के लिए बाध्य थे, लेकिन उसमें क्या था, उसमें स्नेह था, उसमें प्रेम था। आगे कहते हैं, हां वह मां ही थी, दूसरी कोई नहीं थी, वो मां ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा। उस होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, कौन से होम, रॉबर्ट नर्सिंग होम, रॉबर्ट नर्सिंग होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा थी। मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत, जो रहने वाली स्थाई कहां की थी, फ्रांस की थी, यानी जन्म उनका कहां हुआ था, फ्रांस में, लेकिन कर्म के लिए अपना स्थान कहां बना लिया था उन्होंने, भारत में, यानी अपनी सेवा कहां दे रही थी, वो भारत में। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन, उम्र की तरुणाई, तरुणाई मतलब जब किशोरावस्था उन्होंने पार किया होगा, 15, 16, 18, 20 वर्ष की अवस्था से लेकर के उम्र की इस अवस्था तक, यानी अभी तो 45 वर्ष की अवस्था बता रहा था लेखक, यानी तरुणाई जब शुरू हुई होगी, यानी जब किशोरावस्था आई थी तब से लेकर के अभी तक, क्या है, रोगियों की सेवा में लवलीन, रोगी की सेवा में पूर्णतया लगी हुई, यही काम यही धाम। धाम किसको कहते हैं, ईश्वर की आराधना के स्थल को कहते हैं धाम, यानी यही काम यही धाम, मतलब दोनों मिलाकर के एकमात्र निश्चय कि बस क्या करना है, रोगियों की सेवा करना है। यही राग यही चाव, राग का मतलब क्या होता है, प्रेम, किसी कार्य को जो आप बड़े मन लगा के करते हैं तो उसमें राग दिखाई देता है, चाव शौक पसंद, यही प्रेम यही पसंद, यानी कुल मिला जुला के जीवन का एकमात्र लक्ष्य रोगियों की सेवा। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल, कपोल यानी गाल, म्लान मतलब थके हुए दुखी, माने उन्होंने रोगी के दोनों माल कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों में, चांदनी से चर्चित यानी एकदम श्वेत, उनके हाथ कैसे थे, चांदनी जैसे सफेद, जैसे चंद्रमा की रश्मियां चांदनी सफेद होती है, बिल्कुल वैसे ही चांदी की तरह सफेद हाथों से थपथपाए, यानी उन्होंने क्या किया, दोनों गाल को थपथपाया तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खींचाई, यानी वह रोगी जो पूरी तरह से उदास पड़ा हुआ था, उसके गालों पर जब उन्होंने अपने सुंदर चांदनी जैसे हाथों से थपकी लगाई ना, तो उसके म्लान कपोलों पर क्या हुआ, एक रेखा खींचाई, और लेखक कह रहा है कि मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया, वातावरण का तनाव यानी जो टेंशन था मन में कि क्या होगा क्या होगा, वह टेंशन कुछ हद तक कम हो गया।
अभी इतना कुछ चल रहा था तब कह रहा, तभी एक खटाक, खटाक यानी दरवाजा खोलने की आवाज, तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, जो हमारा नर्सिंग होम का डॉक्टर था वो कमरे के भीतर घुसता है। ध्यान दीजिएगा, मदर टेरेसा डॉक्टर नहीं थी, सीजन नर्स, वो एक नर्स थी और उस होम की अध्यक्ष थी। वर्तमान समय में डॉक्टर प्रवेश करता है, मदर ने तुरंत क्या कहा, देखो डॉक्टर तुम्हारा बीमार तो हंस रहा है। यानी मदर ने क्या कहा, मदर टेरेसा ने कहा कि डॉक्टर देखो तुम्हारा बीमार हंस रहा है। डॉक्टर का रिस्पॉन्स देखिए, हाँ मदर तुम हंसी भी खेलती जो हो, हाँ मदर तुम तो केवल हंसी ही भी खेलती हो, तुम तो चारों तरफ केवल हंसी फैलाती चलती हो। डॉक्टर ने अपने पता नहीं कितने सारे अनुभव एक वाक्य में गूंथ दिए। गूंथ देना मतलब माला बना देना, मतलब शब्द बाई शब्द जोड़ देना। डॉक्टर का जितना अनुभव था अपने जीवन का सारा अनुभव उसने एक लाइन में डाल दिया कि हाँ मदर तुम तो हंसी भी खेलती ही हो, मतलब तुम जहां जाती हो वहां पे उल्लास आ ही जाता है, चाहे कोई कितना भी दुखी हो वो प्रसन्न हो जाता है, खुशी हो जाता है। मैंने यानी कन्हैया लाल जी ने, यानी लेखक ने, लेखक कहता मैंने भावना से अभिभूत हो करके, भावना में डूब करके, भावना से ओतप्रोत हो करके सोचा जो बिना प्रसव किए ही मां बन सकती है। कैसे मां बन सकती है, बिना बच्चे को जन्म दिए, ठीक है, बिना प्रसव किए, बिना मतलब बिना बच्चे को जन्म दिए जो मां बन सकती है, 30 रुपए मासिक, 30 रुपए यानी उस समय के हिसाब से 30 रुपया बहुत हुआ करता था, 30 रुपए मासिक के योगक्षेम, योगक्षेम कहते हैं इह लोक से परलोक तक जीवन निर्वाह का जो साधन होता है। कृष्ण ने कहा था ना गीता में, योगक्षेमम वहां में हम, ये LIC वाले लेके लिखते हैं, LIC का कभी लोगो देखिएगा ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, उसमें लिखा होता है योगक्षेमम वहां में हम। कभी आपने सोचा है, श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहा कि जो भी लोग अनन्य भाव से सिर्फ मेरा भजन करते हैं उनका योग और क्षेम दोनों मैं वहन करता हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। यानी जो प्रभु की सेवा करते हैं उनके जीवन निर्वाह इह लोक से लेके परलोक तक, यानी धरती से लेके स्वर्ग तक, संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मेरी यानी भगवान की हो जाती है। कहा कवि यहां पर लेखक ने, 30 रुपए मासिक के योग और क्षेम पर 20 वर्ष दिन और रात सेवा में लगा सकती है। 20 वर्ष, 20 वर्ष का मतलब क्या हो गया, यानी तरुणाई, यानी 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष, देखिए आ गया खेल करके। तो कहा 20 वर्ष दिन रात सेवा में लगा सकती है, वही ऐसा हो सकता है जो पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी भी खेल सकता हो। यानी एकदम न्यूनतम जीवन खर्च में जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, अपना पूरे जीवन लगा दे, समझ जाइए वही दूसरे के जीवन में हंसी भी खेल सकता है और कोई नहीं कर सकता, ऐसा लेखक सोच रहा है। तीसरे पहर का समय, दोपहर के बाद तीसरे पहर का समय, जो संध्या काल 3-4 बजे के आसपास का, थर्मामीटर हाथ में लेते आई या मदर टेरेसा और उनके साथ एक और नवयुवती। थर्मामीटर टेम्परेचर नापने का यंत्र जिससे बुखार नापा जाता है। आजकल तो इंफ्रारेड थर्मामीटर आ गया ना कोविड वाले, ऐसे नाप रहे हैं सब जैसा लग रहा गोली मार देंगे। शुरू में बहुत सारे वीडियो आए थे पिछले साल, मैं देखता था कि पता चलता था वो इंफ्रारेड थर्मामीटर उसके माथे पर लगाता है, लोग भागने लगते हैं। और थर्मामीटर क्या होता है, हम एक मुंह में लगा के देखते हैं और एक यहाँ बगल में लगा के चिपका देते हैं। डॉक्टर क्या जाते हैं, थोड़ा निकाल के चेक करता है, कहता हाँ 101 डिग्री बुखार है, वो क्या है, थर्मामीटर। कहा तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर लेकर के प्रवेश करती है कौन, मदर टेरेसा और उनके साथ एक और नवयुवती प्रवेश करती है। नवयुवती मतलब नई नई युवती, यानी कौमार्यावस्था कह सकते हैं, किशोरावस्था कह सकते हैं, जैसे मदर टेरेसा आई होंगी 20-25 साल, वैसे ही 20-22 साल की उम्र की। लिखते हैं उसी विशिष्ट धवल वेश में, उसका भी वेश कैसा है, वही सफेद सुंदर वेश है, गौर और आकर्षक, गोरे रंग की और आकर्षक, यानी किसी के मन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, सुंदर, हाँ गौर और आकर्षक, इम्फेसाइज किया, ध्यान दीजिए लेखक ने शब्द को दोबारा रखा है, कहा कि उसके साथ एक आई नवयुवती उसी विशिष्ट धवल वेश में, गौर और आकर्षक, हाँ गौर और आकर्षक, यानी गोरे रंग की और बहुत ही सुंदर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण कर पाने में ये दोनों शब्द असफल हैं। देखिए लेखक ने कह तो दिया गौर और आकर्षक, लेकिन उसका जो चरित्र था, उसका जो सुंदरता थी, जो उसका फिगर था ना, उसके लिए दोनों शब्द निष्फल हो गए, इन दोनों शब्दों से उसकी सुंदरता में व्यक्त नहीं कर पाया। तो व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, कह रहे हैं यूं कह के उसके आसपास आ पाऊंगा, यानी मैं कुछ ऐसा कहूं कि उसकी सुंदरता का वर्णन हो जाए, क्या कि शायद चांदनी को दूध में घोल करके ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो।
यानी उसका निर्माण कैसे किया ब्रह्मा ने, चांदनी को दूध में घोल करके, यानी चांदनी जैसी सुंदरता और दूध जैसी कोमलता उसके अंदर थी। कह रहे हैं रूप और स्वरूप दैवी सांचा सी, रूप और स्वरूप कैसा एकदम दैवी, ऐसा लग रहा था कि वो अलौकिक है, दैवी सांचा सी वह लड़की। नाम उसका क्रिस्टहेल्ड, नाम उसका क्या क्रिस्टहेल्ड, और जन्मभूमि कहाँ जर्मनी। यानी एक जो मदर टेरेसा जो अध्यक्षा थी उनके साथ जो थर्मामीटर ली, वह दूसरी नवयुवती आई जो अत्यंत ही सुंदर है, उसका नाम है क्रिस्टहेल्ड और उसकी जन्मभूमि कहाँ है जर्मनी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दोहिता क्रिस्टहेल्ड, दोहिता का मतलब भी होता है पुत्री, संस्कृत का शब्द है ध्यान दीजिएगा, दोहिता मतलब पुत्री। एक साथ एक रूप एक ध्येय एक रस, यानी दोनों, देखिए जर्मनी और फ्रांस दोनों एक दूसरे के प्रबल दुश्मन, जर्मनी और फ्रांस देश वाइज अगर देखा तो दोनों दूसरे के प्रबल दुश्मन, लेकिन क्या कह रहे हैं एक साथ है दोनों, एक जैसा रूप है, एक ही ध्येय है, ध्येय यानी एक ही उद्देश्य है, एक ही आनंद है। लेखक कह पड़ता है तुम्हारा देश महान है क्रिस्टहेल्ड से, कि तुम्हारा, जैसे उसको पता चलता है कि इसकी जन्मभूमि कहां है तो जर्मनी, कहा तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को जन्म दे सकता है। हिटलर एक तानाशाह था जो कोई युद्ध लड़ता था, किसी को भी अपनी दमनकारी नीतियों से दमन कर डालता था। कहा कि तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी, यानी एक हिटलर इतना खूंखार और एक तुम्हारे जैसी बालिका जो इतनी सेवादार। मैंने उससे कहा, जब लेखक ने उससे कहा कि तुम्हारा देश तो बहुत महान है, तो वह दर्प से दीप्त होकर के, दर्प का मतलब साधारण तो होता है अहंकार, लेकिन यहां पे दर्प आया है स्वाभिमान के लिए, जो अपने देश की बड़ाई सुनकर के उसके अंदर अभिमान आया। पता है जिसको निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, जिसको भी निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है वह नर नहीं, वह नर पशु निगा और मृतक समान है। जिसको अपने देश पे गर्व नहीं है वो पशु से भी गिरा गया बदतर है, बल्कि यूं कह लो वो तो मृतक के समान है। यानी यदि आप हैं जीवित हैं तो अपने देश पर आपको गर्व होना चाहिए, यही गर्व उसके चेहरे से दिखाई दिया। लेखक कहता है दर्प से दीप्त होकर के वो स्टैचू हो गई, स्टैचू यानी मूर्तिवत एकदम सीधी खड़ी हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर जोर से ठोंक के बोली यस यस, जैसे सैल्यूट की मुद्रा में हमारे सैनिक बोलते हैं। अपने देश का अभिमान, जब उसने सुना कि हमारा देश युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, हमारे जैसी सेवाशील बालिका को भी, उसने पैर जमीन पर ठोंके बोला यस यस, यानी मैं आपकी बात से सहमत हूं। आगे लिखते हैं वह दूसरे कमरे में चली गई तो मैंने मदर टेरेसा को टटोला। जब वो लड़की अपना टेम्परेचर का नाप करके लेके चली गई तो इन्होंने मदर टेरेसा को टटोला, टटोला मतलब बातचीत की, थोड़ा उनके अंदर की अंतरात्मा की आवाज जानने की कोशिश की। टटोला का मतलब होता है खोजबीन करना, थोड़ा मदर टेरेसा के अंतरात्मा की बात जानने की कोशिश की। कहा आप इस जर्मन लड़की के साथ बड़े प्यार से रहती हैं। लेखक का कहने का अंदाज देखिए, कहें आप इस जर्मन लड़की से इतना प्यार से रहती हैं। मदर टेरेसा, हाँ वो भी ईश्वर के लिए काम करती है, मैं भी ईश्वर के लिए, फिर प्यार क्यों ना हो। ईश्वर कहां है, रोगियों के सेवा में, रोगियों की सेवा करना मतलब ईश्वर की सेवा करना। घर से मस्जिद है दूर, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फाजली लिखते हैं बागों में जाने के भी अदब हुआ करते हैं, बागों में जाने के अदब हुआ करते हैं, किसी तितली को ना फूलों से उगाया जाए। यानी ईश्वर की सेवा सिर्फ मंदिर में जाके घंटा बजाना नहीं, केवल मस्जिद में जाकर के आदाब अर्ज करना नहीं, ईश्वर की सेवा रोगियों पीड़ितों की सेवा में है। कहती है वो भी ईश्वर के लिए काम करती है, मैं भी ईश्वर के लिए काम करती हूं, दोनों में प्यार क्यों नहीं होगा। मैंने नस्तर चुभाया, नस्तर मतलब होता है छोटा नुकीला चाकू, नस्तर मतलब छोटा नुकीला चाकू, इन्होंने नस्तर चुभाया। दरअसल नस्तर इन्होंने नहीं चुभाया, इन्होंने अपनी बात को इतना नुकीला किया, मतलब अपनी बात से, मैंने चुभने वाली बात बोली, यूं समझ लीजिए इन्होंने चुभने वाली बात बोली। पर फ्रांस तो हिटलर ने पददलित किया था, पददलित किया का मतलब डिमोरलाइज किया था, अपने पद से गिरा दिया था। यानी फ्रांस को तो हिटलर ने मतलब पददलित किया था, नुकसान पहुंचाया था, ये आप कैसे भूल सकती हैं।
लेखक मदर टेरेसा से कहा, क्योंकि मदर टेरेसा फ्रांस की थी, ये लड़की जर्मनी की है। इन्होंने कहा कि लेकिन जर्मनी के रहने वाले हिटलर ने तो फ्रांस को पदलित किया था, यानी फ्रांस का बहुत नुकसान पहुंचाया था, उसको तो डिमोरलाइज किया था उसने, ये आप कैसे भूल सकती हैं। नस्तर तेज था, यानी इसकी बात बहुत ही ज्यादा चुभने वाली थी। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, यानी बात बहुत अंदर तक लगने वाली थी, लेकिन मदर का कलेजा उससे अछूता रहा, लेकिन मदर के कलेजे को वह नस्तर छू नहीं पाया, यानी इनकी बात का जो कहने का जो सेंस था वह मदर टेरेसा तक नहीं पहुंचा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, उसमें इस लड़की का भी घर ढह गया, मेरा भी घर ढह गया, अब हम दोनों एक। देखिए, किसी भी निगेटिव इफेक्ट में पॉजिटिव चीजें कैसे ढूंढी जाती हैं। मदर टेरेसा ने कहा कि हाँ, हिटलर बुरा था, मैं मानती हूं, उसने हमले करवाए, बमबारी करवाई, मेरा भी घर गिर गया, इस लड़की का भी घर गिर गया, अब दोनों तो बराबर हो गए, अब क्यों हम लोग में दुश्मनी रहे, हम दोनों एक। यह शब्द मदर टेरेसा ने झूम करके इतना गहरा डूब के कहा, मतलब इतनी आत्मीयता से कहा, इतने हृदय की गहराइयों से यह चीज निकला कि मुझे ऐसा लगा, यानी लेखक को ऐसा लगा कि मैं उनसे उस लड़की को छीन रहा था, यानी दोनों में दुराव पैदा करने की कोशिश कर रहा था, और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने चित्त कर मारा, यानी मुझे पूरी तरह से धाराशाही कर दिया, गिरा दिया। चारों खाने चित्त कर देना मतलब धाराशाही कर देना, गिरा देना, मुहावरा है। कहा, मैं उन लड़की और मदर टेरेसा के बीच में मैं दुराव पैदा करने कोशिश कर रहा था कि शायद दोनों में झगड़ा हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने चित्त कर दिया, यानी पहले ही बार में उन्होंने मुझे धराशायी कर दिया, अब इसके बाद मेरे पास कुछ रहा ही नहीं, मैं बोलूं। मदर चली गई, मैं देखता रहा। मदर जब चली गई तो क्या हुआ, देखते रहे, सोचते रहे कि मनुष्य मनुष्य ने कितनी दीवारें एक दूसरे के बीच में खड़ी कर दी हैं, ऊंची दीवारें, फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, लेकिन कितनी अजेय। कहा, मनुष्य और मनुष्य के बीच में कितनी दीवारें खड़ी हो गई हैं, किस किस चीज की, जाति धर्म वेशभूषा, एक दूसरे से ऊंच नीच, तमाम तरह की दीवारें, और ये दीवारें कैसी हैं, ऊंची ऊंची हैं, फौलाद की बनी हुई हैं, फौलाद कहते हैं इस्पात को, स्टील को, लोहे की मजबूत दीवारें हैं, हम इन दीवारों को तोड़ नहीं पा रहे, दीवारें बड़ी अजेय हैं, लेकिन है नगण्य, कोई कीमत नहीं इन दीवारों की। जैसे फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई होगी बाकी लोगों के लिए, लेकिन मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड के लिए तो नहीं हुई ना, क्यों, क्योंकि दोनों का धर्म था सेवा, इसलिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत वैमनस्य को भुला दिया। उसी प्रकार से हम मनुष्यों ने भी एक दूसरे के प्रति कितने वैमनस्य की भावनाएं वो रखी हैं, ये सारी वैमनस्य की भाषाएं नगण्य हैं, किसी लायक नहीं है, गिनती में नहीं है, किसी काम के नहीं है, फिर भी इतनी अजेय है कि हम चाह करके भी उसको तोड़ नहीं पाते। लेखक यहां संदेश दे रहा है कि इस तरह की चीजों को तोड़ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्रिस्ट हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। क्रिस्ट हेल्ड जो दूसरी वाली लड़की थी, उसके पिता जर्मनी में एक कॉलेज के क्या हैं, प्रिंसिपल हैं, और उसने, यानी क्रिस्ट हेल्ड ने सिर्फ अभी 5 वर्ष के लिए सेवा का व्रत लिया है। रोगिणी के गहरे बाल को देख के उसने कहा, रोगिणी यानी इनकी अतिथेया जो इस समय रोगिणी बन के बिस्तर पे लेटी हुई हैं, उनको देख करके क्रिस्ट हेल्ड कहती है, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता जैसे हैं, यानी तुम्हारे काले बाल कैसे हैं, मेरे पिता जैसे हैं, और कह करके वो स्मृतियों में खो गई, यानी वो लगी अपने पिता के बारे में याद करने, अपने गांव घर के बारे में याद करने, यानी अपनी पुरानी यादों में क्या हुआ, वो खो गई। कहते हैं, मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ। लेखक एक मिनट के लिए स्वयं को क्रिस्ट हेल्ड की जगह पर रख करके लगा सोचने कि मैं अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में, मैं अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई सी छली सी, और मेरी आंखें भर आई, यानी लगे क्रिस्ट हेल्ड की जगह पे अपने आप को रख करके सोचने कि ये क्रिस्ट हेल्ड कैसे अपना जीवन यापन करती होगी अपने माता पिता के बिना। लड़की भी मेरे आंसुओं में डूब डूब गई, वो क्रिस्ट हेल्ड भी जब वो स्मृतियों में खोई, ये भी सोचने लगे, दोनों की आंखों में पानी भर आया। कह रहे, वो लड़की भी मेरी आंसुओं में डूब डूब गई, और किनारा पाने के लिए जल्दी से उसने रुमाल से दोनों को पोंछ लिया। किनारा पाने के लिए मतलब उन आंसुओं की नदी से बाहर आने के लिए, यानी उस जो चिंता, जो स्मृतियों का जो आवेग था उसके मन में आ गया था, जो प्राचीन जो यादें आ गई थी, उन यादों से बाहर निकलने के लिए उसने आंसुओं को क्या किया, पोंछ लिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम हो नरम हो गई, पर जरा भी नम नहीं। उसकी हंसती हुई आंखें, दोनों आंखें जो उसकी हंस रही थी ना, सम होकर के नरम हो गई, सम होकर के ना बराबर नरम हो गई, लेकिन नम नहीं हुई, रोई नहीं वो आंखें। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम, क्रिस्ट हेल्ड से इन्होंने पूछा कि क्या तुम घर से चलते समय रोई थी। उसका भोला सा उत्तर था, ना, मां बहुत रोई थी,
मैं नहीं रोई, रोया कौन था? माँ से, मैं नहीं रोई थी। ठीक है, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, माँ रोती थी मैं नहीं रोई। फटी आंखों से कुछ देर तक मैं उसे देखता रहा, फटी आंखों से मतलब एकदम आंखें चौड़ी करके बिना पलक झपकाए। तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए, जैसे इनके पास थे हमारे लेखक कन्हैया लाल जी के पास, इन्होंने कुछ बिस्किट उसको भेंट किया। उसने क्या कहा? धन्यवाद, थैंक यू, तांगशु, तीनों वर्ड बोला कि शायद कौन सा वाला इसके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद हिंदी, थैंक यू अंग्रेजी, और तांगशु अपना जर्मन। तीनों चीजें उसने बोला कि सामने वाले व्यक्ति को हो सकता है हिंदी ना समझ में आए, इंग्लिश ना समझ में आए, मतलब कोई ना कोई चीज समझ में आ जाएगा। वह अक्सर हिंदी अंग्रेजी जर्मन भाषाओं को मिला करके ही बोलती थी, ऐसा लेखक को अनुभव हुआ। हम सब हंस पड़े और वो हंसती हंसती भाग गई। उम्र में छोटी थी, अभी तो भोलापन था, बिस्किट मिला वो क्या हुआ, हंसते हंसते वहां से भाग गई। मदर टेरेसा तो बातों के मूड में थी, बैठी थी बातचीत के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। कहां झांका? हृदय मानस में, हृदय के मन में चोर दरवाजे से झांका, यानी ऐसी बातें शुरू की जिससे उनके हृदय के अंदर की बातें पता चले। चोर दरवाजा का, मदर घर से आने के बाद फिर आप कभी घर नहीं गई? मदर जब आप घर से चली थी उसके बाद कभी आप घर नहीं गई, कभी मिलने जुलने भी नहीं? कान अपना काम कर चुके थे, यानी मदर टेरेसा ने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लिया था। इन्होंने उनसे कहा कि आप कभी घर नहीं गई, तो कान अपना काम कर चुके थे, अर्थात मदर टेरेसा ने अपनी बातों को सुन लिया था। वांगी को अपना काम करना था, यानी अब वो बोलने वाली थी, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी। कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उन्होंने क्या किया, बात को बदल दिया। यानी क्या होता है, जैसे बात की एक धारा होती है और आदमी जब उस विषय पर बात नहीं करना चाहता तो इधर उधर की बातें करके बात को घुमा देता है। तो उन्होंने क्या कहा, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी ये कहानी। कौन सी कहानी? कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। बहुत समय पहले फ्रांस में विश्व भर के जितने भी पूजा गृह थे उनका क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ। विश्व भर के जितने भी बड़े बड़े जो भी ऋषि मुनि महात्मा पादरी मौलवी थे सबको जुटा करके एक सम्मेलन किया गया। फ्रांस की दो मदर ईसाई धर्म से दो मदर प्रतिनिधि होकर के उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थी, दो मदर भारत से प्रतिनिधि बना के भेजी गई थी, वे दोनों फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता भी फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं, यानी भारत से दो मदर, यानी दो ईसाई मदर यहां से भेजी गई थी प्रतिनिधि बनाकर के उस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। उन दोनों के माता पिता पहले से फ्रांस में रहते थे और इवन अब कि उनको सूचना भी दे दी गई थी कि आपकी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर रहीं, पानी वाले जहाज पे, जिस समय की बात कर रही पानी वाली जहाज ही चला करती थी। कहा जहाज पर आई, पर विचित्र बात यह हुई कि दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पाई। क्यों? अभी ध्यान दिया ना, क्रिस्ट हेल्ड और मदर टेरेसा का एक जैसी वेशभूषा। कहा दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पाई और आपस में कहती है कि तुम्हारी बेटी कौन सी है, तुम्हारी बेटी कौन सी है, यानी वो दोनों बेटियों को अपना ही मान के चल रही थी। अंत में उनका नाम पूछा तब जाके गले मिले। अब कहानी क्या हुई, कह रहा लेखक जब कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे। जब कहानी हुई मतलब हुई तो मेरे मन में कई सारे क्वेश्चन उठे, कई सारे प्रश्न उठे कि आखिर मदर टेरेसा उठते न उठते भाग गई, यानी इनको कुछ पूछना था उस कहानी से, इनको लगा कि कुछ पूछना चाहिए, लेकिन तब तक मदर टेरेसा क्या हुई, उठते न उठते मतलब थोड़ा भी टाइम नहीं लगाई, कहानी सुनाकर फ्राक से वहां से भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वह स्वयं थी। अर्थात सेवा का व्रत इतना कठिन है कि सेवा कार्य में तल्लीन हो जाने की वजह से उनका रंग रूप वेशभूषा आर व्यवहार और आचरण इस तरीके से परिवर्तित हो गया था कि माताएं भी अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पाईं। बस इतना ही मैं उनसे कहलवा सका, यानी इतनी ही बात मदर टेरेसा से इनकी हो पाई, उसके बाद वो बात करने के मूड में नहीं थी। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहां से किसी स्थान का फोटो भेज देती हूं। यानी जब इन्होंने पूछा था कि घर की याद नहीं आती, आप कभी जाती नहीं, मिलने जुलने भी नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ कभी कभार जब याद आती है या घर से चिट्ठी आती है तो यहां से किसी स्थान का फोटो भेज देती हूं। फोटो भेज देने से क्या होता है, उन लोगों को पता चल जाता है कि मैं यहां किस परिस्थिति में हूं और वो लोगों को संतोष हो जाता है। आगे लिखते हैं, फिर आपने लौटते हैं कहानी पे। रोग पूरे उभार पे था, रोग पूरे उभार पे था, यानी बुखार बहुत तेज था, रोगी के लिए असह्य।
माने रोगी के लिए सहन करने की सीमा के बाहर था। वह रोग इतना ज्यादा था कि रोगी सहन नहीं कर सकता था, असह्य था, सहन करने की सीमा के बाहर था। मदर टेरेसा ने क्या कहा, आज तुम्हारे लिए मैं विनती करूंगी, यानी आज मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। डॉक्टर कहते हैं ना कि भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान पे प्रार्थना करिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात कि दवाएं अपना काम कर रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए भगवान से आज विनती करूंगी। उस समय उनका चेहरा भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो सका था, प्रोद्भासित प्रउद्भासित, बहुत ज्यादा चमकदार, बहुत ताजा, उत्तेजनापूर्ण उनका चेहरा क्या था, भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो चुका था। यानी अब पहले जब उनका चेहरा देखा तो कैसा था, एक मदर जैसा, फिर उनका चेहरा आत्मीयता से भरा हुआ, अभी उनका चेहरा कैसा है, भक्त की श्रद्धा से भरा हुआ। यानी वह एक माँ की तरह स्नेहशील और अनुशासन प्रिय महिला थी। रोगी ने क्या कहा, कल भी करना मदर, क्यों आज ही करोगी केवल, मतलब आज तो तुम विनती करोगी करोगी, कल भी करना। मदर के स्वर में मिस्री सी घुली, मदर के स्वर में क्या घुली, मिस्री। मिस्री क्या होता है, आप लोग खाए हैं, कृष्ण जी को भोग लगता है मिस्री, जब रामायण पाठ हरि कीर्तन वगैरह होता है तो उसमें लोग लाके मिस्री के दाने रखते हैं, उसमें एक मिस्री ढेले जैसी आती है, जैसे सेंधा नमक आता है ना, अब तो हर चीज पाउडर में आने लगा, लेकिन आप पूछे कभी ढेले वाली मिस्री या टुकड़े, उसको क्या बोल सकते हैं, डले, हाँ डले वाली मिस्री हमारे यहाँ बोलते हैं, या टुकड़े वाली मिस्री आप मांगेंगे तो मिल जाएगी, पंसारी और जो किराना की बड़ी दुकानें होती हैं उनके यहाँ। कहा कि मिस्त्री तो घुली, लेकिन वो मिस्त्री कूजे सी थी, मिठास तो तुरंत देती थी लेकिन घुलती नहीं थी तुरंत, और यदि बल का प्रयोग किया गया तो मसूरा तक छील देगी। अर्थात मदर ने जो उधर से बोला उस बात को कह रहे हैं, उनके स्वर में इतनी मिठास थी, लेकिन उस मिठास के साथ साथ अनुशासन भी था। उन्होंने क्या कहा, कहा बोले ना, कल उसके लिए करूंगी जिसको सबसे ज्यादा कष्ट होगा। अब हो सकता है अगर तुम ही आ गई तो तुम्हारे लिए करूंगी, यानी आज तो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं विनती, लेकिन कल उसके लिए करूंगी जिसको सबसे ज्यादा कष्ट होगा। अर्थात उनके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं था, व्यक्ति का कष्ट महत्वपूर्ण था, सामने आया हुआ व्यक्ति कौन है इससे मतलब नहीं है, यदि वह कष्ट में है, यदि वह रोगी है, तो उसकी सेवा हमारा प्रथम धर्म होना चाहिए। लेखक कह रहा कि 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों के सामने कौंध गया और उनके व्यक्तित्व पर यह गर्व करने लगा। कहा देखिए कितनी बड़ी और कितनी चरित्रवान महिला है, कि इसको इस बात से मतलब नहीं है कि अपनी जात बिरादरी का कोई हो, अपने गांव घर का कोई हो तो लाओ चलो उसके लिए प्रार्थना कर लेना। इन सारे पूरे नर्सिंग होम में जितने भी रोगी भर्ती हैं उनमें सबसे ज्यादा कष्ट जिसको होगा उसके लिए प्रार्थना करूंगी, यानी हमारे लिए रोगियों में कोई भेदभाव नहीं है। लेखक कह रहा है कि जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों के सामने कौंध गया, यानी एकाएक मेरी आंखों में चमक आ गई, एक बहुत बड़ी चीज मैंने देख ली, एकाएक कोई बहुत बड़ा विचार मेरे मन में आ गया। क्या आया कि मैंने बहुतों को रूप पाते देखा था, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था जो रूप पा जाते हैं उसके घमंड में अंधे हो जाते हैं, बहुतों को धन पाते देखा था, बहुतों को गुण भी पाते देखा था। यानी धन है, गुण है, रूप है, ये मनुष्य को सामान्यतः अहंकारी बना ही दिया करते हैं, परंतु मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों से देखा। मानवता के आंगन में, यानी मानवता श्रेष्ठ है, यदि कोई मानव हमारे सामने पड़ा हुआ है तो उसका कष्ट दूर होना यह हमारे लिए प्रमुख है। मानवता के आंगन में यह पहली बार इन्होंने देखा था इतना सुंदर स्वरूप। कोई पीड़ा से अपनी किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे, यानी कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित हो तब ऐसे व्यक्ति को पाएगा, यानी यदि वह रोगी नहीं होता तो शायद वह मदर टेरेसा को नहीं पा पाता। और मदर टेरेसा कैसी कि किसी भी रोगी के हित के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग कर देने को लगी हुई, अपना सब कुछ समर्पित कर देने के लगी हो। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुलिया देखी, फिर मुहावरा, उन्होंने कहा एक जादू की पुलिया, माने एक स्पेशल चीज उन्होंने देखी। क्या स्पेशल चीज देखी, जीती जागती जादू की पुलिया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। कामरूप आसाम का पुराना नाम है, आसाम के बारे में किंवदंती है, किंवदंती का मतलब लोक कथा है कि वहां की जो महिलाएं हैं वो जादू जानती हैं, वो आदमियों को मक्खी बना देती हैं। ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा लोग मानते हैं, जैसे आसाम और बंगाल का जादू बड़ा फेमस है। कहा लेकिन यहां जो मैंने जादू देखा वो आदमियों को मक्खी बनाने वाला नहीं था,
कामरूप शब्द जो है वो असम के लिए आया है, असम जो राज्य है उसका पुराना नाम है कामरूप। कहा असम का जो मक्खी बना देने वाला जादू होता वो नहीं, बल्कि मक्खी को भी आदमी बना देने वाला, यानी पशु को भी इंसान बना देने वाला, जिसके अंदर प्रेम न हो उसके अंदर भी प्रेम भर देने वाला, जिसके अंदर चेष्टा न हो उसके अंदर भी चेष्टा भर देने वाला, जिसके अंदर हतोत्साह आ गया हो उसके अंदर पुनः उत्साह भर देने वाला, जीवन का जादू। कौन? होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। इन्होंने अब क्या देखा, दो को देख चुके थे, मदर टेरेसा को देख लिए, क्रिस्ट हेल्ड को देख लिए, अब एक तीसरा व्यक्तित्व तो सामने आया, होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उनको गुड़िया कह दिया जाए, पर चाल में गजब की चुस्ती और कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती, यानी ये भी बिल्कुल उनकी तरह एकदम चुस्त फुस्त मस्त एकदम धड़ाधड़, और हंसी उनकी यूं कि समझ जाओ कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, यानी उनकी हंसी में इतना आनंद है कि देखने वाला कितने भी कष्ट में हो उनको देख करके ही प्रसन्न हो जाए। और काम मानो मशीन मात माने, यानी मशीन उनके सामने हार जाए, हाथ जोड़ खड़ी हो जाए कि नहीं माँ आप बढ़िया कर लेती हो, यानी मशीन के बारे में कहते हैं ना कि मशीन मनुष्यों से तेज काम करती है, लेकिन काम उनका ऐसा कि मशीन भी उनके सामने हार जाए। भारत में 40 वर्षों से सेवा में लौलीन, जैसे कि मानो जीवन में आपको छूने जानना ही नहीं, यानी सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट 40 वर्षों से भारत में सेवा दे रही थी। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, उसी नर्सिंग होम में एक रोगी आया जिनका ऑपरेशन होना था। वो रोगी कैसा, ऐश आराम में पला जीवन, कहने की बेचारे को आदत, सहने का कुछ पता ही नहीं, यानी जीवन में केवल उसने हमेशा ऑर्डर ही दिया था, कभी अपने ऊपर आरोपित किया ही नहीं था, कहने की केवल आदत थी, सहने की आदत नहीं थी, पर उसे क्या पता कष्ट, क्या पात्र की क्षमता देख के आता है, यानी किसी के ऊपर कष्ट आएगा तो क्या क्षमता थे क्या कि नहीं नहीं देखो तुम संभाल सकते हो तुम्हारे ऊपर पड़ना चाहिए, नहीं कष्ट तो किसी के ऊपर भी आ सकता है। चिल्ला रहा था मदर मर जाऊंगा, मदर मर जाऊंगा, उसने बेहवल होकर कहा, बेहवल होकर के मतलब रो करके एकदम दुखी होकर के, स्तरीय दुख जो होता है एकदम बेहवलता में आकर के उसने कहा। वातावरण चित्कार की बेहवलता से दहल गया, मतलब पूरा जो वातावरण था उसकी चिल्लाहट से, उसके जो करुण क्रंदन था उससे पूरा हिल गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने एक झपकी भी नहीं खाई, यानी बूढ़ी मदर फिर भी मुस्कुराती रही, यानी जो उसका मुस्कुराहट रूपी जो दीपक था ना वो एक झपकी भी नहीं खाया, मतलब जो उसके चिल्लाने रूपी हवा थी वो मदर के मुस्कुराहट रूपी दीपक को हिला भी नहीं पाई, बुझा पाना तो अलग की चीज है। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, कल समथिंग और बस नथिंग, यही तो जीवन है, सब कुछ 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 नहीं। और वो इतने जोर से खिलखिला के हंसी कि अगर अगल बगल कोई होता तो शायद वो झेप जाता, संकोच कर जाता, अपमानित महसूस करने लगता। मतलब इस तरीके से उनका व्यवहार था कि कोई कितने भी कष्ट में हो उसको हंसा करके मुस्कुरा करके पहले उसके अंदर जिजीविषा उत्पन्न कर देना, मैंने जीवन जीने के लिए उसके अंदर पहले उत्साह उत्पन्न कर देना, फिर उसके रोग का इलाज करना। चिंता के गर्त से एक रोगी उन्होंने और देखा कि चिंता के गर्त से उठ बढ़ती रोगी जोर से चुटकियां बजा के किलकी, जी उठी जी उठी, क्या कहा उन्होंने, जी उठी, यानी एक रोगी उनके देखते ही चिंता के गर्त से, चिंता के गड्ढे से निकल करके खिलखिला के हंस पड़ी, यानी इनकी खिलखिलाहट ऐसी कि एक रोगी जो चिंता के गर्त में यानी चिंता के गड्ढे में डूबी जा रही थी वो खिलखिला के हंस पड़ी और ये अपनी भाषा में चिल्ला पड़ी, जी उठी अर्थात जी उठी जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है, यह अनुभव जो लेखक तभी से कर रहा है कितना चमत्कारी है कि जो जितनी अधिक बूढ़ी है वो उतनी ही अधिक उत्फुल्ल, उत्फुल्ल यानी खिलखिलाती हुई और मुस्कानमयी और मुस्कुराती हुई है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन के? ये कौन सा दीपक है जो इन लोगों के अंदर जल रहा है, क्या वो जागरूक जीवन का है या लक्ष्यदर्शी जीवन का या एक ऐसे जीवन का जिसका लक्ष्य एकमात्र है रोगियों की सेवा, अथवा सेवा निरत जीवन की, अथवा सेवा में लगे हुए जीवन की, अपने विश्वास के साथ एकाग्र जीवन की। हमारा यह विश्वास है कि जो हमारे नर्सिंग होम में आया उसको हम ठीक करके ही छोड़ेंगे, ईश्वर हमारी मदद हमेशा करेंगे, इस एकाग्र जीवन की यह ज्योत है किसी। देखिए भाषा के भेद हैं, रहे हैं, रहेंगे भी, भाषा का भेद रहा है, जर्मन भाषा और भारतीय इंडियन यानी हमारी हिंदी में अंतर रहा होगा, फ्रांस की फ्रांसीसी भाषा और हमारे की भारतीय हिंदी में भेद रहा है, रहेगा, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है,
यह ज्योत यानी जो सेवा भाव की जो ज्योत आपके अंदर जल रही है ना, जो उत्साह की ज्योत जल रही है ना, जो मुस्कुराहट की ज्योत जल रही है ना, ये विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इससे बढ़िया कोई दीपक नहीं हो सकता। यानी अपने भाव मतलब हृदय में सेवा भाव में निरत रहना ही जिंदगी है। सिस्टर क्रिस्टहाइड का तबादला हो गया। सिस्टर क्रिस्टहाइड जो सबसे छोटी वाली थी उसका क्या हुआ, तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। भील मतलब आदिवासी, कोल भील कहलाते हैं आदिवासी। अब वो धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी यानी आदिवासियों के बीच में जाके काम करेगी। ओह, लेखक सोच रहा है उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, कर्पूरिका मतलब कपूर की टुकड़ी, कपूर जैसी साफ चिकनी सुंदर महकदार खुशबूदार, यह कर्पूरिका यह कपूर जैसी सुंदर नवयुवती उस जाकर के आदिवासी में काम करेगी। यह कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि इसको तो स्वर्ग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। यानी रोगियों की सेवा तो इसके लिए स्वर्ग के समान है। वह हम लोगों से मिलने आई, हंसती खेलती बिखरती फुदकती। यानी हम लोग से जब वो मिलने आई ना, तब भी उसके मन में इस बात का कष्ट नहीं था कि हमको आदिवासी क्षेत्र में जंगल में भेजा जा रहा है, बल्कि उसके लिए तो रोगियों की सेवा करना स्वर्ग के समान था। कह रहा ना कि वो अपने सौरभ में इतनी लवलीन है कि उसको स्वर्ग के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, उसको तो सब कुछ स्वर्ग समान दिख रहा है। यानी दूसरे की सेवा में ही स्वर्ग निहित है, ऐसा उसके जीवन में हो चुका था। कह रहा यहां से जाने का उसको कोई विषाद नहीं, कोई दुख नहीं। विषाद का मतलब होता है चेहरा मलिन हो जाना, कोई दुख नहीं। एक नई जगह देखने का भाव उसके रोम रोम में, यानी उसके रोए रोए में, जहां जहां से शरीर में बाल निकले उसको रोए बोल, हर एक रोम में उसके खिलखिलाहट दिखाई दे रही थी एक नई जगह देखने की, एक नई जगह सेवा करने की। पर मुझे उसका जाना कचोट रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी वो बहुत ही छोटी है उम्र में, अभी उसके पास बहुत अनुभव नहीं है, उसको ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में भेजा जाना उचित नहीं है। पर वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते दो तीन बार कमरे से बाहर निकली, लेकिन एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। क्यों? क्योंकि झांकने से मोह का बंधन उसके ऊपर पड़ सकता था। उसने बहुत सारे रोगियों से मिली, कई बार इधर उधर आई गई, लेकिन एक बार भी उसने कमरे के अंदर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, लेखक स्वयं को समझाया, कोई लाख उलझे उसको नहीं उलझना। लोग लाख मोह माया के बंधन में उलझ लें, लेकिन उसको मोह माया के बंधनों में नहीं उलझना है। उसको तो सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर से मतलब है और अपने रोगियों की सेवा में मतलब है। और तब सिस्टर क्रिस्टहाइड का सच ये है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग निर्लिप्त और निर्द्वंद, निसंग मतलब बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लोभ मोह लालच की संगति के, निर्लिप्त बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के चिपके हुए, निर्द्वंद बिना किसी विद्वेष, बिना किसी झगड़े, बिना किसी वैमनस्य के अपना जीवन पूरी तरह मानस चक्षुओं में समा गया। और मैंने कहा, सिस्टर क्रिस्टहाइड, हम लोग भारतवासी गीता को कंठ में लेके कृतार्थ हुए। हम लोगों ने सिर्फ गीता को पढ़ा है, सिर्फ गीता को गाया है, लेकिन तुम तो अपने जीवन में लेके कृतार्थ हुई। मैंने अभी इसके पहले गीता का श्लोक पढ़ा था ना, योगक्षेम महाम्यहम। गीता क्या कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगो स्वकर्मणे। ये गीता है। गीता कहती है सिर्फ कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू कर्म कर, बाकी जहां लाभ होने लायक होगा, जहां हानि होने लायक होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं तेरे को दूंगा। ऐसा ईश्वर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। आज लेखक को याद आता है, लेखक कहता है कि सिस्टर क्रिस्टहाइड, हम भारतवासी गीता को कंठ में लेके कृतार्थ हुए। यानी हमने गीता को सिर्फ आदर दिया है, किसमें, कंठ में अपने, पढ़ा है और पढ़ाया है, नहीं तुम तो गीता को अपने जीवन में लेके कृतार्थ हुई। तुमने तो गीता को अपने जीवन में उतार लिया है कि कर्म करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। अब इस कर्म का क्या परिणाम होगा, ये तो तुमने कभी सोचा ही नहीं। ये आज आकर के ये संस्मरण यहां पूर्ण होता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा। संपूर्ण संस्मरण का एकमात्र उद्देश्य क्या, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो, दिमाग में सोच लो, न मृत्यु हो, मृत्यु नहीं होना, मरते होना है, अमर होना है आपको। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। यही पशु प्रवृत्ति है,
यह पशु प्रवृत्ति है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरेगा, बाकी तो सब पशु है। तो उम्मीद है कि ये संस्मरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो, समझ का कोई अभाव हो, तो प्लीज़ आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। और मैं अपनी एक वेबसाइट भी डेवलप किया हूँ, www.ravikantmani.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे घूम करके अभी तो फिलहाल संस्कृत के सारे पाठों का देख सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी 2-4-10 दिन के अंदर ही मैं सारे पाठों के भी क्वेश्चन आंसर और गद्यांश वगैरह अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से पा सकेंगे, ठीक है मित्रों। फिर आप सभी रविकांत मणि के साथ थे, मैं जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से हूं। आप सभी लोगों से पुनः विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें और तैयारी जारी रखें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।